नमस्कार, पॉपकॉर्न वीडियोस के सेगमेंट किस्सा कहानियों में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शिखा धुरिया। विच एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आज मैं आई हूँ। इस मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है फाइंड हैप्पीनेस, यानी कि खुशियाँ जिसकी तलाश हम पूरी उम्र करते हैं लेकिन वो हमारे आसपास होती है, बस हमें दिखाई नहीं देती। जबकि हमारे अंदर भी खुशी है और हमारे आसपास हमारे बाहर भी खुशी है, बस सिर्फ तलाशने की, सिर्फ उन्हें अपनाने की ज़रूरत है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक समारोह चल रहा होता है जिसमें तकरीबन 50 लोग शरीक होते हैं और इस प्रोग्राम की जो मेज़बानी कर रहे होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, वो एक और गतिविधि कराने की प्लान करते हैं और एक ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं। इस ग्रुप एक्टिविटी के मुताबिक वो कमरे में मौजूद हर एक शख्स को एक एक गुब्बारा देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अपना अपना नाम इस गुब्बारे पर आप लिखिए। हर कोई अपना अपना नाम अपने अपने गुब्बारे पर लिखता है और वो सारे गुब्बारे वो मेज़बान लेके दूसरे कमरे में उन गुब्बारों को शिफ्ट कर देता है बगैर बताए कि वो उन गुब्बारों का क्या किया जाएगा। थोड़ी देर बाद उन सभी लोगों को जिन्होंने अपने नाम अपने अपने गुब्बारों पर लिखे कहा गया कि आप दूसरे कमरे में जाइए और ढूंढिए अपने अपने नाम के गुब्बारों को। तो उस गुब्बारों को ढूंढने का जो तकरीबन समय दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि तकरीबन आपके पास 5 मिनट है अपने अपने नाम के गुब्बारे ढूंढने का। तो लोगों के पास, क्योंकि समय बहुत कम था, हर कोई कोशिश करता है कम से कम समय में अपने नाम का गुब्बारा ढूंढने का, और इस दरमियान बहुत ज़्यादा कियोस की स्थिति हो जाती है, एक दूसरे से धक्का मुक्की की स्थिति हो जाती है। हर कोई अपना नाम का गुब्बारा ढूंढना चाहता था बगैर ये सोचे कि किसी को क्या कोई चोट तो नहीं लग रही इस धक्का मुक्की के दौरान। लेकिन समय पूरा व्यतीत हो जाता है, किसी को अपने नाम का गुब्बारा नहीं हासिल होता, हर कोई मायूस नजर आता है। इतने में स्पीकर जो होते हैं वो खुद कहते हैं कि चलिए अब आप एक काम कीजिए, कोई भी रैंडम गुब्बारा उठाइए और जो जिसका नाम उस गुब्बारे पे होगा वो दूसरे बंदे को, उस बंदे को जो संबंधित बंदा है, संबंधित शख्स है, उसको उसके नाम का गुब्बारा दीजिए। तो ऐसा करने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लगा। हर शख्स जिसने जिसके नाम का गुब्बारा उठाया उस शख्स को वो पकड़ाता गया। तो ऐसे हर किसी के हाथ में तकरीबन 2 से 3 मिनट के दौरान ही हर किसी के हाथ में अपने नाम का गुब्बारा जो था वो उन्हें मिल गया। तो उस स्पीकर ने इस तरीके से कहा कि यही हो रहा है हमारी ज़िंदगी के साथ भी, कि हम अपनी खुशियों को खोजने की जो प्रक्रिया है उसमें इतने गुम हो जाते हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं रहता कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, और उस प्रक्रिया के दौरान हम कितने लोगों को दुख पहुंचाकर अपनी खुशियां ढूंढना चाहते हैं। दरअसल होना ये चाहिए कि आप दूसरे को खुशी दीजिए तो बदले में जो वो आपको खुशी देगा वही आपकी असली हैप्पीनेस है, वही हमारी हैप्पीनेस जो है असली हम ढूंढना चाह रहे हैं वही उसे पूरा करेगा। तो इस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी जो है जीना चाहिए। इस स्पीकर ने जो मैसेज दिया वो बहुत खूबसूरत है कि किस तरीके से जो खुशियां हम ढूंढते रहते हैं दरअसल वो किसी और को खुशी देकर भी हमें हासिल हो सकती है। अगर इस मूल मंत्र को हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो वाकई ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि खुशियाँ चल के हमारे घर आएंगी। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।